कांवर यात्रा। भगवान शिव की वह उपासना जिसमें भक्ति की शक्ति साक्षात रूप में देखने को मिलती है। इस यात्रा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि अनुभव किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से हुई है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा को माना गया है और चंद्रमा शिव शंकर के माथे पर विराजमान है। श्रवण नक्षत्र को जल तत्व का कारक माना गया है। जल शिव शंकर को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि धरती पर अवतरित होने से पहले गंगा मैया भोले बाबा की जटाओं में समाई थी। इसलिए मान्यता है कि इस महीने गंगा जल से जलाभिषेक करने पर शिव शंकर अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन माह में देश के विभिन्न हिस्सों में शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवर यात्रा की जाती है। भक्त मीलों मील चलकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन कांवर यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कौन था पहला कांवरिया? नमस्कार, मैं सीपी सिंह रेबई इस वीडियो के जरिए शिव भक्तों को कांवर यात्रा के इतिहास से संबंध में जानकारी दूंगा। कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कांवर यात्रा संबंधित जानकारी जरूर साझा करें। बिहार के बांका जिला में स्थित है मंदार पर्वत। मान्यता है कि यहीं पर देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के लिए बांसुकी नाद का प्रयोग रस्सी के रूप में और पर्वत का इस्तेमाल मथानी के रूप में किया गया। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष निकलते ही देवता व असुर आश्चर्य व दुविधा में पड़ गए। सभी ने मिलकर महादेव को पुकारा। महादेव ने विष को धारण कर लिया। कंठ के पास विष के पहुंचते ही महादेव का शरीर नीला होने लगा। यह विष का असर था। विष के असर को कम करने के लिए आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने शिव पर शीतल जलाभिषेक करने को कहा। देवता और असुर ने कांवर बनाकर पर्वत पर मौजूद कुंड से शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवर यात्रा की शुरुआत हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार कामधेनु को पाने की लालच में राजा सहस्त्रवाहु ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। फिर पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने राजा की भुजाओं को काट दिया। इससे उस राजा की भी मृत्यु हो गई। भगवान परशुराम की कठोर तपस्या के बाद ऋषि जमदग्नि को जीवन दान मिल गया। तब उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को सहस्त्रबाहु की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। इसके बाद भगवान परशुराम मीलों पैदल चलकर कांवर में गंगा जल भर कर लाए। उन्होंने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। इसी कारण भगवान परशुराम को संसार का पहला कांवरिया कहा जाता है। रावण शिव का महाभक्त था। एक दिन रावण की मां कैकसी ने असुर संस्कृति को अमर बनाने के उद्देश्य से शिवलिंग को लंका लाने की बात कही। रावण कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव का ध्यान किया। एक एक कर अपना सिर शिव को अर्पित करने लगा। इससे शिव प्रसन्न हुए और अखंड यात्रा के जरिए शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति रावण को दे दी। माता पार्वती ने रावण को यात्रा शुरू करने से पहले याचमन करने की बात कही। याचमन के जल में साक्षात माँ गंगा रावण के उदर में चली गई। यह माता पार्वती की योजना थी। रावण ने यात्रा की शुरुआत की, लेकिन देवघर आते ही रावण को लघुशंका का एहसास हुआ। लघुशंका दूर करने के लिए रावण ने शिवलिंग को वहां मौजूद चारवाहे को दे दिया और शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखने की सख्त हिदायत भी दी। लेकिन रावण जब लघुशंका कर वापस आया तो शिवलिंग को जमीन पर पड़ा देखा। इसके बाद रावण ने शिवलिंग को उठाने का हर संभव प्रयास किया। कई कोशिश के बाद भी शिवलिंग टस से बस नहीं हुई। क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग को वहीं दबा दिया। लेकिन गुस्सा शांत होने पर रावण को गलती का एहसास हुआ। वह माफी मांगते हुए शिव उपासना करने लगा। रावण ने उत्तर वाहिनी गंगा के अजगेवी नाथ तट से जल लेकर 108 किलोमीटर की कांवर यात्रा करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इससे शिव प्रसन्न हुए। इसके बाद से ही अजगेवी नाथ से देवघर के बीच कांवर यात्रा की शुरुआत हुई।